भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जब प्यास लगेगी तो आदमी पानी पिएगा, भूख लगेगी तो आदमी रोटी खाएगा। एक बात स्मरण में रखना, कितने भी शरबतों के गिलास भरे रहें, लेकिन जब प्यास लगती है तो हमारी निगाहें मीठे मीठे शरबत पे नहीं जाती, हमारी निगाहें जूस पर नहीं जाती, हमारी निगाहें तो पानी पर जाती हैं। क्योंकि नियम है कि प्यास पानी से बुझती है और भूख रोटी से मिटती है। कितना भी बाहर खा लेना, होटलों में खा लेना, कहीं भी भोजन कर लेना, लेकिन जो संतुष्टि घर के भोजन में मिला करती है वो दुनिया में कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ करती है। माँ के हाथ की बनी हुई दो रोटी और चटनी बड़ी स्वादिष्ट हुआ करती है, बड़ी पौष्टिक हुआ करती है। तो कितना भी बड़ा आदमी हो, खाएगा आटा, पिएगा पानी, इसके अलावा और कुछ जीवन के आधार नहीं हो सकते हैं। मानिए, आहार कैसा होना चाहिए, आयुर्वेद कहता है कि भोजन करने के एक घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। हमारा तो गड़बड़ हो जाएगा सब, वो नियम पाल लेंगे, हमें तो एक घंटे में ही सब निपटाना है। काहे कि भोजन के एक घंटे बाद तक पानी मत पियो। यदि स्वस्थ रहना है, पूछा गया कि एक घंटे तक पानी क्यों ना पिए, कैसे चलेगा? बोले इसलिए पानी ना पिए क्योंकि पेट में जहां भोजन की पाचन क्रिया होती है उसे जठर कहते हैं, और उस जठर में एक अग्नि जलती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। भोजन जब बनता है रसोई में तब भी आग में पकता है, लेकिन वो अभी पूरा पका नहीं है। हकीकत में तो भोजन आग में पकने के बाद पेट के भीतर जो जठराग्नि है वहां जाकर के भोजन का फिर से पाचन होता है, फिर से उस भोजन को उस अग्नि में पचाया जाता है। और जो लोग भोजन के बाद पानी पी लेते हैं तुरंत, तो कहते हैं पानी और आग का बैर हुआ करता है, आग को पानी बुझा दिया करता है। यदि पानी को आप पी लेंगे तो वह जठराग्नि को शांत कर देगा, और जठराग्नि यदि ठंडी पड़ गई तो भोजन पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा, वह पाचन क्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए जिन लोगों को निरोग रहना है, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र में देख रहा था उसमें लिखा कि पानी कभी भी भोजन के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए। यदि आपको स्वस्थ रहना है, यदि आप इस प्रक्रिया से चलेंगे तो शायद आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़ेगी। दूसरा नियम उसने बताया, बड़ा मजा आ रहा था मुझे पढ़ने में, कि पानी एक घंटे बाद जब आप पिए तो ठंडा पानी नहीं पिए। ठंडे से मतलब उबलता हुआ नहीं, गर्म किया हुआ ठंडा पानी पिए। कहने का मतलब कच्चा पानी ना पिए। अब आप बोलिए, भगवान महावीर भी अपने साधकों के लिए कहकर गए कि कच्चे पानी का जीवन में उपयोग नहीं करना चाहिए, पानी छान करके और उबाल करके फिर ठंडा हो जाए फिर उस पानी को आप पीजिए, आपको कभी बीमारी नहीं आएगी। तीसरा नियम बताया कि पानी जब भी पिए तो ऐसा गट गट करके ना पिए, पानी जब भी पिए तो चाय की चुस्कियों की तरह पिए, थोड़ा थोड़ा पानी पिए। इकट्ठा जो पानी पीते हैं
उनके बीमारियों का जन्म हो जाया करता है। यह तो हुई एक भोजन की प्रक्रिया कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए। चुस्की में पानी इसलिए पियो और सबसे पहले उठते ही साथ आदमी को पानी पीना चाहिए, क्योंकि जो मुख की लार होती है वह क्षार होती है, वो पेट में अम्ल बना करता है। इसलिए जब पानी में लार मिलकर के जाती है तो वह अम्ल को शांत करती है और पेट को बहुत अच्छा रखती है। ये नियम जो बतलाए गए, मान्यवर मैं तो पालन कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी तो आहार की प्रक्रिया ही ऐसी है कि मुझे तो सब कुछ उसी समय करना है 24 घंटे में एक बार। तो ये सारे नियम मैं कह सकता हूं जो दिन भर भोजन करते हैं उनके लिए आयुर्वेद शास्त्र में लिखा गया है कि इस तरह से भोजन करें। भगवान महावीर ने तो अपने साधुओं को कहा कि 24 घंटे में एक बार ही भोजन करना, उसी समय अन्न, उसी समय भोजन, उसी समय पानी। जो 24 घंटों में एक बार करते हैं उनके आहार पचाने की प्रक्रिया अलग होती है, और जो दिन भर भोजन करते हैं उनके पचाने की प्रक्रिया अलग हुआ करती है। दोनों के सिस्टम अलग है, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, भोजन यदि इस क्रम से लिया जाएगा, आपके जीवन में कहा है, आयुर्वेद शास्त्र में कहा है, उसके घर में कभी वैद्य नहीं आते, हकीम नहीं आते, डॉक्टर नहीं आया करते हैं। आप स्वस्थ भोजन करिए, आप शुद्ध भोजन करिए, आप शाकाहारी भोजन करिए। मांसाहार हजार हजार रोगों को जन्म दिया करता है। मान्यवर, भारत की संस्कृति है, भगवान ऋषभदेव ने दो संस्कृति दी, एक ऋषि की संस्कृति दी और एक कृषि की संस्कृति दी। ऋषि इस देश की आत्मा है और कृषि उसका शरीर है। ऋषि और कृषि के संस्कृति और सभ्यता में रहकर आदमी यदि अपना खान पान नहीं सुधार पाया तो एक बात याद रखना, जिनका खान पान शुद्ध नहीं होता उनका खानदान शुद्ध नहीं होता, और जिनका खान पान शुद्ध होता है उनका खानदान शुद्ध हुआ करता। शुद्धि रखिए भोजन की, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना। एक बार खाए सो योगी, दो बार खाए सो भोगी, तीन बार खाए सो रोगी, और चार बार खाए तो मृत्यु जरूर होगी। ध्यान रखना, हमेशा ज्यादा खाने वाला मरता है। अस्पतालों में जाकर देखना, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज आप 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेते हैं, आप कैसे इस जीवन को जीते होंगे। मैंने कहा ध्यान रखना, खाने वालों से ज्यादा अच्छा हमारा जीवन हुआ करता है। और आपने जिंदगी में कभी ये नहीं देखा होगा कि किसी जवान संत की मौत हो गई, रेयर केस होते हैं, कभी जभी कोई दुर्घटना घट जाए, बाकी हर संत अपनी पूरी आयु जिया करता है, वह समय से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। और वैज्ञानिक कहते हैं एक भी ग्रस्त ऐसा नहीं है इस युग में जो अपनी पूरी मौत जी पूरी जिंदगी जीता हो। हर आदमी अपनी लाई हुई आयु में से कुछ कम ही जीवन जीता है और दुनिया से विदा हो जाया करता है। यदि आप 100 वर्ष की आयु लेकर आए हैं तो साइंस कहता है आप 90 साल ही जी पाएंगे, 95 साल ही जी पाएंगे, आप 100 वर्ष नहीं जिएंगे। 100 वर्ष वही जिएगा जो अपना खान पान और आचार विचार अच्छे रखता है, वह दीर्घायु हुआ करता है। और जिसका खान पान अच्छा नहीं होता वह समय से पहले दुनिया से विदा हो जाया करता। ध्यान रखिए, खान पान अच्छा रखिए। क्या क्या खाते हैं आप? इस मुंह को नगर निगम का कचड़े घर का डिब्बा मत बनाओ कि जो आया वो मुंह में डाल लिया, जो आया वो मुंह में डाल लिया। अरे मेरे भाई,
इस अहिंसक देश में हिंसा का वातावरण बन रहा है। बड़ी तेजी से मांसाहार हमारी छाती पर बैठ रहा है, शौक बन गया मांसाहार, आधुनिकता समझी जाने लगी और महाजन कौम के बच्चे भी अब मांसाहार की ओर आगे बढ़ने लगे हैं। इससे बड़ा संस्कृति का ह्रास दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मांसाहार आदमी का आहार नहीं हो सकता है, मांसाहार एक अभिशाप है, मांसाहार एक जीवन के लिए एक बहुत बुरा हिंसक कलंक है। जो आदमी अपने जीवन में चंद खुशियों के लिए मांसाहार किया करते हैं, मान्यवर किसी का जीवन उजाड़ के अपना जीवन जीना और किसी का पेट फाड़ के अपना पेट भरना, ये कहां की मानवता हुआ करती है, ये कहां की इंसानियत हुआ करती है। हम तो उस देश के लोग जहां जियो और जीने दो के नारे दिए जाते हैं, वहां पर हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है। अहिंसा की जय घोष ही नहीं करना है, हम सब अहिंसक समाज को मिलकर हिंसा का जोरदार विरोध भी करना पड़ेगा। हिंसा के खिलाफ एक जंग लड़ना होगी, हिंसा के खिलाफ एक लड़ाई लड़ना होगी। मैं तो ये कहता हूं, लाखों करोड़ों रुपए दान देकर जो मंदिर बनाते हैं, मैं कहता हूं अपनी 150 साल की जिंदगी में यदि एक मांसाहारी को तुमने शाकाहारी बना दिया, हजार हजार मंदिर बनाने का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। कितने जीवों को जीवन दान मिलेगा। कल एक बंधु मेरे पास आए, क्या नाम था, अभी यहीं पर बैठे हुए हैं वो सज्जन बैठे हैं, क्या नाम, सुरेश पहलवान, क्या नाम, पहलवान। और वो पहलवान सब कुछ खाता था, लेकिन ना जाने क्या हुआ, टीवी से प्रवचन सुन सुन करके उस पहलवान ने कहा कि आपकी वाणी को सुनने में रोज आता हूं और अपनी जिंदगी से मैंने हमेशा हमेशा के लिए मांसाहार का त्याग कर दिया है। ध्यान रखिए, मैंने कहा पहलवान अब तुमने हकीकत में पहलवानी का काम किया है। मांसाहार, लोगों ने कहा होगा पहलवान हो ताकत कहां से मिलेगी। लोगों के मन में यह भ्रम भरा है कि मांसाहार से ताकत मिलती है, लोगों के दिमाग में भ्रांति है कि मांस खाने से शक्ति मिलेगी। कहां से शक्ति मिलेगी, मैं आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं। यदि मांस में ताकत होती, प्रकृति ने कुछ प्राणी मांसाहारी बनाए हैं, कुछ शाकाहारी बनाए हैं, लेकिन मनुष्य को संपूर्ण रूप से शाकाहारी बनाया है। ये मनुष्य में भेद नहीं किया, ये जानवरों में भेद किया है। मांसाहारी और शाकाहारी जानवर होते हैं, मनुष्य तो केवल शाकाहारी हुआ करता है। मांसाहार उसकी प्रकृति नहीं होती है। एक आदमी से मैंने पूछा, मांस क्यों खाते हो, अरे बोले ताकत मिलती है। इनका मांस से ताकत मिलती है, अरे ताकत के लिए मांस तो भगवान ने तेरे शरीर में दे ही रखा है, अब किसी और का शरीर का मांस अपने शरीर के भीतर क्यों लाता है, ये विकृति है। तुम्हें जितने मांस की जरूरत है उतना भगवान ने तुम्हारे शरीर में भर रखा है, तुम्हें जितने ताकत की जरूरत है उतनी ताकत ईश्वर ने तुम्हारे अंदर पैदा करके रखी है। ईश्वर के उस खेल के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास मत करिए। ताकत शाकाहार में है ना कि मांसाहार में। शेर शाकाहारी होता है या मांसाहारी, बोलिए। शेर की पूछ रहा हूं, तुम सभा शेरों की नहीं पूछ रहा हूं। शाकाहारी होता है या मांसाहारी, मांसाहारी। बैल शाकाहारी होता है या मांसाहारी, शाकाहारी। एक बात बताओ मेरे भाई, एक बैल अपने जीवन में लाखों खेत जोत देता है और एक शेर अपने जीवन में कितने खेत की जुताई करता है,
मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज तक किसी भी शेर ने एक खेत नहीं जोता होगा, और बैल जो मांस नहीं खाता शाकाहार करता है, पूरे दिन हल लेकर के पूरे खेत को जोतने की ताकत रखा करता है। बोलिए, बैल में ताकत है या शेर में? बैल की पीठ पर बोझ रखो, बैल गाड़ी खींच करके ले जा सकता है। कभी किसी शेर गाड़ी देखी आपने अपनी जिंदगी में कि दो शेर जुते हुए हों और आदमी माल लेकर के चल रहा हो? हरे शेर के ऊपर 1000 किलो ही कुछ वजन क्या, 100 किलो भी रख दो तो बैठ जाएगा, और 1000 किलो वजन हमारा बैल खींचते हुए ले जाता है, क्योंकि वो शाकाहार करता है। और शेर जितने भी मांसाहारी पशु हैं किसी काम के नहीं हैं। हैं? कुत्ता मांसाहारी है, बोझा ढोएगा, खेत जोतेगा, सामान ढोएगा। बिल्ली मांसाहारी है, ले जाना किसी दिन बाजार में, सब्जी की डोलची रख देना उसकी पीठ पर, चारों पैर फैल जाएंगे, जीभ बाहर आ जाएगी। ध्यान रखिए, सोचना है। और घोड़ा शाकाहारी है या मांसाहारी है? बोलिए, शाकाहारी है वह घोड़ा। कहा जाता है जब ताकत की जरूरत होती है तो कोई भी नहीं कहता शेर जैसी ताकत, हर व्यक्ति कहता है हॉर्स पावर होना चाहिए, घोड़े जैसी ताकत होना चाहिए। शाकाहारियों की ताकत क्यों मांगी जाती है, मांसाहारी पशुओं से ताकत की बातें क्यों नहीं की जाती है? एक शेर की ताकत देखो और एक शाकाहारी हाथी की ताकत देखना, हाथी शाकाहारी होता है। लोग कहते हैं कि मांसाहार से तंदुरुस्ती मिलती है, हाथी से बड़ा पहलवान कौन सा शेर बनकर पैदा हो गया मेरे भाई। अरे शेर जैसे लोग भी, शेर जैसे जानवर भी जब हाथी पर अटैक करते हैं तो सामने से नहीं करते, पीछे से किया करते हैं। इसका मतलब मांसाहार कायरता सौंपा करता है और शाकाहार वीरता सौंपा करता है। हाथी सामने जाए तो शेर घबरा जाया करता है। ध्यान रखिए, ये ताकत है शाकाहार की। मुझे समझ नहीं आता कि मांसाहारी लोग शाकाहारी पशु का ही मांस खाते हैं, मांसाहारी का कोई नहीं खाता है। विचार करना, हर मांसाहारी शाकाहारी पशु को मारकर खाएगा, बकरी खाएगा, भेड़ खाएगा, गाय का मांस खाते हैं लोग, भैंस का मांस खाते हैं लोग। अब आप बताइए, जिन जिन का मांसाहारी मांस खाते हैं वो सारे पशु शाकाहारी हुआ करते हैं, क्योंकि शाकाहार में ही ताकत है, शाकाहार में ही जीवन है। आज तक किसी ने शेर का मांस नहीं खाया होगा, है कोई मांसाहारी दुनिया में जो शेर का मांस भक्षण करता हो? हर कोई शाकाहारी पशुओं का मांस भक्षण करते हैं, मान्य है। कोई ताकत नहीं है मांसाहार में। ये तो जानवर के उदाहरण थे, और इंसानों के रूप में यदि देखो तो जैन मुनि को देखना, दिगंबर मुनि को देखना, 24 घंटे में एक बार भोजन और एक बार पानी, बीमार भी हो जाए तो दवाएं भी उसी समय चलेंगी, 24 घंटे तक कुछ लेते नहीं हैं, मुंह में पानी की बूंद नहीं डालते हैं, मृत्यु का क्षण भी आ जाए तो एक टाइम भोजन की प्रतिज्ञा को कभी भंग नहीं किया करते हैं। अब आप सोचिए, 24 घंटे में एक बार दिगंबर मुनि पानी और अन्न लेता है, और वह भी शुद्ध शाकाहार लेता है, शाकाहार ही नहीं शुद्ध शाकाहार, जिसकी भोजनशाला में कभी आलू प्याज और लहसुन जैसी चीजें भी नहीं आया करती हैं। अब आप बताइए, किसी मांसाहारी को बुला लाना मेरे सामने, और मैं शाकाहारी साधु, और एक मांसाहारी को खड़े कर देना और उससे बोलना कि चल महाराज के साथ, मैं 35 किलोमीटर चलने की ताकत रखता हूं, लेकिन मांसाहारी 5 किलोमीटर में ढेर हो जाएगा, सांस फूल जाएंगी। अरे
10 सीढ़ी चढ़ नहीं पाता और सीना ऐसा चलता है जैसे लोहार की धोकनी चल रही हो। ये मांसाहार की ताकत है। विचार करिए, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पैदल चलता है जैन संत शाकाहार के दम पर। और अच्छे अच्छे मांसाहारियों से कहूंगा, अपने शरीर का एक रोम खींच कर दिखाना, ये शाकाहारी 4 महीने में बालों को उखाड़ करके फेंक दिया करते हैं। कहां से आती है ये ताकत? उस तरह का प्रयोग नहीं करते, कैची का प्रयोग नहीं करते, छुरे का प्रयोग नहीं करते, बाल बड़े होते ही हाथों से उखाड़ के फेंक दिया करते हैं। 24 घंटे में शाकाहार एक बार भी किया जाए तो 23 घंटे हमें ताकत और एनर्जी प्रदान किया करता है। एक बात सोचें, किसमें ताकत ज्यादा है? शाकाहार में ताकत।